तो आज मैं यहाँ पे अगारो का ओटीजी मंगाया है 48 लीटर का। चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका टूट गया है गाइस, ये देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया है। अब देखते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो गाइस आप जब भी मंगाइए पहले इसको केयरफुली देख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आया है, दुकान से तो है नहीं कि चेक होके आएगा ये। और ये देखिए इसमें करंट आ रहा है गाइस, देख रहे हैं। तो अब इसे हमें वापस करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ नहीं है, बाहर की बॉडी में नहीं है, अंदर का ये जो है इसमें करंट आ रहा है। तो गाइस पहले मेरे पास LG का था ये अवन, ये LG का है। अभी मैंने अगारो का मंगाया है। तो OTG तो हमारे पास नहीं था, तो थोड़ा सा अभी उसको सीखना पड़ेगा। और ये हमारे पास LG का 32 लीटर ऑलरेडी पहले से था, तो हमने सोचा OTG भी मंगा के देख लेते हैं, रिजनेबल प्राइस है अगारो का। बट उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, उसमें करंट आ रहा है। वापस से फिर मंगाती हूँ, देखो अब की बार कैसे आता है, फिर वीडियो बनाऊंगी और रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस इसे मैंने काउंटर टॉप पे रख लिया है। तो ये है गाइस बारबेक्यू ग्रिल। तो इस पे हम जैसे पनीर टिक्का हो गया, बाटी हो गई, मतलब जितने ग्रिल करने वाले होंगे तो डायरेक्ट इस पे रख के हम ग्रिल कर सकते हैं। और ये है गाइस रोटिसरी रॉड। ये इसमें हम जैसे कुछ पनीर टिक्का वगैरह लगा देंगे तो उसे ये चारों तरफ रोटेट कर करके पका देगा। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, तो इसको हम हाथ से निकाल सकते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रोटेसरी हैंडल दिया गया है कि इसको ऐसे इजीली हम निकाल लें। और ये देखिए गाइस, जब हम ऑनलाइन चीज मंगाते हैं इलेक्ट्रिक, तो उसको पहले सावधानी से हम ऐसे इसको चेक कर लें, क्योंकि पहले वाले में मेरे करंट आता था, तो इसलिए मैंने उसको वापस करके दूसरा मंगाया है। और देखो इसमें करंट नहीं आ रहा है। और इस नॉब को हम ऐसे घुमा देंगे तो कन्वेक्शन मोड पे चला जाएगा, और इस तरफ रोटेसरी पे, और इधर करने पे कन्वेक्शन और रोटेसरी दोनों है, और यहाँ पर वापस से ऑफ हो जाएगा। और ये नॉब है टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि 180 डिग्री पे करेंगे, 200 पे बेक करेंगे, 250 पे करेंगे, मतलब जितने भी हैं। और इसमें हम 100 डिग्री से लेके 250 डिग्री तक इसका टेम्परेचर कर सकते हैं। और ये वाला नॉब जो है हीट की सेटिंग करने के लिए है, जैसे इसमें 3 रॉड नीचे और 3 रॉड ऊपर दे रखे हैं। क्या चीज आप बेक कर रहे हो, आपको खाली ऊपर का जलाना है तो इसमें दिया है, नीचे का जलाना है तो उसको मतलब कर लो, अगर ऊपर नीचे दोनों का चलाना है तो फिर वो भी है कि आप दोनों चला सकते हो। और ये है गाइस टाइमर, जैसे आप कुछ हीट कर रहे हो और उसको बस हमें कितने मिनट के लिए हीट करना है तो इस पे सेट कर दोगे तो ये आप अपने आप ही उतने पे बंद हो जाएगा और अलार्म एक बज जाएगा।
और ये वाला मैंने आपको नहीं दिखाया था गाइज, इसमें रख के ये है बेक पैन। तो आप इसे चाहे एकदम नीचे सेट कर सकते हैं या बीच में भी कहीं सेट कर सकते हैं, मतलब आप क्या बेक कर रहे हो और उसको कितना हीट का जरूरत है तो उस पे ये डिपेंड करता है। और जब आपको निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो गाइस ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जरा भी यूजफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ गाइस, और ऐसे ही और भी रिव्यू वाले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।